क्रांति क्रांति पिक्चर रिलीज हुई थी जी, तो सुबह दोपहर शाम क्रांति क्रांति और क्रांति। अच्छा जी। एक दिन हो गया, दो दिन, एक हफ्ता हो गया, यशपाल शर्मा टीवी के सामने क्रांति लगा के बैठ गया। हम लोग एक कितने बार देखोगे। हाँ। तो बल्लू ने बोला कि ऐसा करते हैं, आप जाके बाहर फोन करो और बोलो यश का फोन आया है, जब वो निकल जाए तो हम वो टेप ले जाएंगे। ओके। तो मैंने जाके बाहर फोन किया, बल्लू ने बोला यश आपका फोन आया है। अच्छा जी। तो यश बोला ठीक है। जैसे यश बाहर निकला, हमने वो क्रांति की कैसेट निकाल के छुपा दी। दो मिनट में आ गया, अरे नहीं नहीं मेरा फोन नहीं था, बैठ गया, अरे क्रांति कहाँ गई। तो हमने तब तक दूसरी फिल्म लगाई थी। अच्छा जी। दादा कौन के की, क्योंकि सब सारे हम तो क्या है डबल मीनिंग वाली जो फिल्म जी कपिल को बहुत पसंद आती थी। आगे, 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 आगे। तो जैसे दादा कौनकी की फिल्म लगाई तो यश बड़ा गुस्सा हो गया कि अरे मैं क्रांति देख रहा था, ये क्या हो गया, यश ने क्या किया होगा, टीवी लेके चले गए। उसका क्रांति क्यों पसंद थी बाजी आपको इतनी? ये उसका एक किस्सा है। आप लोग दिलीप साहब कहते हैं दिलीप कुमार जी को, जी जी, मैं यूसुफ भाई कहता हूँ जी। अगर क्रिकेट में मेरी किसी ने जिंदगी बनाई है वो यूसुफ भाई ने बनाई। वाह। उसका 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 बहुत बड़ा उदाहरण है, जिंदगी में पहली बार एक लीडिंग न्यूज़पेपर में मेरी यूसुफ भाई के साथ फोटो है। अच्छा जी। मैं रणजी ट्रॉफी प्लेयर था कबीर, और मैं किसी एक कंपनी के ग्राउंड में, और वो उसके डायरेक्टर थे। ओके। मुझे नहीं मालूम था, तो मैं वो नॉकआउट का मैच खेल रहा था रणजी ट्रॉफी का। पहले मैच में शतक बना चुका था, दूसरी इनिंग में मैं कोई 80 के करीब बैटिंग कर रहा था। तो मुझे लगा गेट से 3-4 गाड़ियाँ आई, सफ़ेद कपड़ों में कोई उतरते हैं, तो मुझे लगा कोई लोकल नेता होंगे, तो उन्होंने कुछ पूछा होगा, मुझे बाद में मालूम पड़ा। ओके। तो वो आए, उन्होंने मैच देखा और मेरा शतक पूरा हुआ, क्लैपिंग की, तो मुझे लगा कोई लोकल नेता है, चले गए। जब मैच खत्म हुआ, हम फर्स्ट इनिंग लीड पे पंजाब का मैच हार गए, यूपी से मैच था, आपको हैरानी होगी, मुझे आके वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो आके बोलते हैं कि आप चलिए, आपको कोई मिलना चाहते हैं। अच्छा जी। तो मैं जब ऑफिस में गया तो वहाँ पर मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। जब मैं सामने अंदर जाता हूँ तो सामने यूसुफ भाई खड़े। वाह। और जब उन्होंने मेरे से शेक हैंड किया और कह रहे कि मेरे को लगता है तेरे में दम है, पंजाबी लगता है अच्छा डील डॉल वाला है, मैं किसी से बात करूंगा। उन्होंने लेट राज सिंह डूंगरपुर से जाके बात की कि एक पंजाब का लड़का है वो आ रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा, मैं उसकी बैटिंग देख के आया हूँ। उन्होंने बीसीसीआई में बात की, जो कि मुझे लेट राज सिंह डूंगरपुर ने बताया कि तुम्हारी जो जो रिकमेंडेशन थी वो यूसुफ भाई ने की। क्या बात है। दिलीप साहब, वी लव यू। और मैं एक आपको बता दूं, मेरा एक इमोशनल टच है, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो इन्होंने कही, ये मेरी खिंचाई करते थे कि क्रांति क्यों देखनी है, ये एक दिन ठीक है, दो दिन ठीक है, कितने दिन देखे क्रांति। मैं सिर्फ यूसुफ, आज भी है मेरा एक इमोशनल उनके साथ है कि जब उनकी तबीयत खराब होती है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो मैं अपसेट हो जाता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो थोड़ा अच्छे रहे और ऐसे ही सबको आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया क्रांति को हटाने का। अच्छा, हमारे स्पेशली क्रिकेट में पाजी बड़े सुपरस्टिशंस भी होते ना, छोटी छोटी चीजें, कि जैसे कपिल पाजी का होता था कि जब भी जाते थे बैट लेके और पहले आसमान की तरफ देखते थे, फिर एक दंड बैठक मारते थे, उसके बाद खेलना शुरू करते थे। इसी को देख के ना एक बार सिद्धू पाजी ने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो ऐसे ऊपर देखा और उसके बाद दंड मारा, उनकी पैंट फट गई थी एक्चुअली एक बार इस चक्कर में। पर हमने सुना कि जिमी सर जब आप खेलने जाते थे आपकी जेब में एक लाल रुमाल रहता था, आप क्या सोच के रखते थे कि कोई फास्ट बॉलर आएगा तो लाल रंग देख के स्लो हो जाएगी बॉल, क्यों रखते थे सर आप? नहीं, उसको एक्चुअली जैसा कि हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं सुपरस्टिशियस हैं जी, कोई ना कोई कुछ अलग करता है, कोई अलग चीज़ें करता है। बट मेरा क्या था कि मेरे फादर लेजेंडरी फादर बहुत बड़े खिलाड़ी थे अपने वक्त के, तो मैंने कभी उनको खेलते नहीं देखा था, तो मैंने उनकी बातें सुनी थी बहुत ज़्यादा। तो मुझे ये कहा जाता था कि जब वो खेलते थे तो वो लाल रुमाल रखा करते थे। ओके। तो मेरा ये एक था कि ड्रीम था, एक एम्बिशन था कि मैं एमुलेट करना चाहता था, मैं उनकी तरह बनना चाहता था। अच्छा जी। बट मेरे में उतना टैलेंट नहीं था जितना उनमें था, तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे मदद कर सकती है। तो मैंने जब खेलना शुरू किया तो मैंने वो लाल रुमाल रखना शुरू कर दिया। ओके।
तो जब भी मैं उसको रखता था पॉकेट में, मेरी परफॉर्मेंस होती थी. जब मैं कमबैक कर रहा था तब भी वो मुझे बहुत कामयाबी उससे मिली. मुझे याद है कि एक टेस्ट मैच हम खेल रहे थे वेस्ट इंडीज में, तो माइकल होल्डिंग कहता कि इसका लाल रुमाल चोरी कर लो क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छी सीरीज जा रही थी. अच्छा, तो शायद ये फेल हो जाएगा. तो एक्चुअली लाल रुमाल इसलिए भी मेरा लकी भी कलर रहा है. अच्छा, तो ये ऐसे मौके में रखता हूँ जो स्पेशल मौके होते हैं. जैसे आपके साथ आज एक बहुत स्पेशल मौका है. स्वीट, थैंक यू. तो मैंने कहा इससे बेहतर तो कुछ और चीज़ नहीं हो सकती. सीबीआई का रेड पड़ा है, भागो! अबे बच्चा, सीबीआई का रेड नहीं है, सब 83 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है यहाँ पे. अरे अरे सर, आई डोंट बिलीव दिस यार, व्हाट इज माय आई सीइंग? पूरा 83 वर्ल्ड कप का विनिंग टीम. नमस्कार सर, मास्टर बच्चा यादव यार. ओ गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओ गॉड यार, 12. कपूर शर्मा, आज तो आपका पॉप भरा हो गया. और पीछे आपके आपके पीछे 13वां है. अरे सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे वाह यार, आपको देख के दिल खुश हो गया. व्हाट अ ब्यूटी यार, मजा आ गया यार. ये लीजिए, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं कि इनके सामने तो सिद्धू जी भी छोटे लग रहे हैं. बच्चा वो ध्यान से देखो, हरभजन सिंह है. अरे भज्जी पाजी, अरे सो माय हेलो पौजी यार, माय हेलो पौजी. मतलब आज के दिन पे यहाँ से शेर नहीं आएंगे, यहाँ से तेंदुए आएंगे. यार मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया. वो बच्चा ये क्या कर रहा है? अरे यार अमरनाथ जी के दर्शन हुए हैं. क्रिकेट के देव कपिल देव जी का दर्शन हुआ है. ये इतने बड़े बड़े लोग के दर्शन. ये कोकोनट ट्री साथ लेके चलते हो? आ जाता है साथ में, हम कोशिश करते हैं पीछे छोड़ आए, बट इट फॉलो मी. आज तो मन कर रहा है हम यहाँ पे नारियल फोड़े, लेकिन लाए नहीं साथ. तो अपना सर फोड़ दे. ये क्या बात हुआ यार, हम हिंसा के सख्त खिलाफ हैं दोस्त, ये नहीं होगा. और ये सभी मोटापे के सख्त खिलाफ है. सीख बच्चा, सबसे सीख, देख सब कितना फिटनेस का ध्यान रखते हैं. अकेला 3 लोगों की जगह लेके घूम रहा है. आई हैव 1 फ्रेंड, संदू पाजी. अरे सर ये लीजिए. अरे अरे सर, कायदे से देखा जाए तो कोई बुरा बात नहीं है सर. हाँ. नहीं आप देखिए, ऐसे आपके जीवन में सर दोस्त आएंगे चले जाएंगे, पैसा आएगा चला जाएगा, मोटापा एक बार आएगा ना तो नहीं जाएगा. बच्चा ये सब क्या कर रहा है तू? क्या क्या कर रही है, क्या है? अरे सर सलामी बल्लेबाज को सलाम कर रहे हैं हम. सर व्हाट रिकॉर्ड आपने बनाया सर, ओहो क्या एक से एक रिकॉर्ड सर. खुद का भी बता ना अपना रिकॉर्ड भी. सर इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 11 बच्चे इसके. और सर अगर हमारे 11 बच्चे हैं व्हाट प्रॉब्लम यार, आप हमारा रिकॉर्ड 12 बच्चे पैदा करके ब्रेक कर दो. हम आपके हाथ पकड़ के रोके हैं क्या आपको कि नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, गो अहेड यार. सर आपने कभी रियलाइज किया है कि 83 का जो वर्ल्ड कप है उसमें सिर्फ दो ही चीज लाल थी? कौन सी दो चीजें? एक तो क्रिकेट की बॉल लाल, दूसरे मदन लाल. वैसे किरमानी जी आपसे एक बात पूछना था, हमेशा मैच वैच देखे आप लोगों का, तो फील्ड के ऊपर मतलब आपको किसी ने पनिशमेंट दिया है कि आप ये आधा मुर्गा ऐसे बन के क्यों खड़े रहते हैं? बच्चा वो क्रिकेट कीपर है पागल, वो इसलिए ऐसे करके खड़े रहते हैं. तुझे पता भी है क्रिकेट का कुछ? अरे बहुत नॉलेज है यार हमें क्रिकेट का, हमारे मोहल्ले में क्रिकेट खेलते, कभी नाले में बॉल जाता है कौन लेके आता है. ऐसे भच से हाथ डालते हैं, भच से बॉल बाहर, फैन है यार लोग हमारे. खेलने कूदने का बड़ा शौक है हमें. तू सिर्फ खेला कर, कूदा मत कर. तू कूदेगा ना तो गड्ढे करेगा. क्या? नो बॉल, ट्राई अगेन. Well, well.
थैंक यू सर, थैंक यू। हमने सुना कि भाई आप विकेट कीपिंग जब करते हैं आप बॉल पीछे आने नहीं देते हैं। ऐसा ही कुछ खेल है सर हमारा। क्या बात। नहीं नहीं सर, एक बार आपसे इंस्पायर होकर हम विकेट कीपिंग शुरू किए थे, बाद में हम छोड़ दिए। क्यों? हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे जो करना है सामने आके करो यार। खड़े होकर नहीं करना। पीठ पीछे कोई काम नहीं करना। फिर सर हम अंपायर बनकर, फिर सामने अंपायर बनकर खड़े होकर उंगली करने में जो मजा आता है ना। पप्पू शर्मा, यू शुड ट्राई अंपायरिंग यार, उंगली करने का शौक तो है। वैसे सर एक और बात हमको बताइए। अच्छा। 1983 वर्ल्ड कप पे हम एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। अच्छा। कपिल सर, हम फिल्म का थोड़ा स्टोरी ऐसा शेयर कर रहे हैं। आप अपने घर से निकलते हैं, अपना क्रिकेट का किट लेके आप चल रहे हैं, चल रहे हैं सीधा आप जाते हैं फील्ड पे, वहां पे स्कूटी पे जो है हीरोइन आती है। अबे बच्चे, क्रिकेट में हीरोइन कहां से आ गई? अच्छा, विराट के साथ अनुष्का आ गई। सर के साथ गीता बसरा जी आ गई। वहां पर युवराज के साथ हेजल आ गई। सबके साथ हीरोइन आई, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कपिल देव के साथ हीरोइन आ रहा है, आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, शर्मा जला, बहुत ज्यादा जला। देव से जल रहे हैं ये। अरे जय झूठी अफवाह ना फैला, आगे वाली स्टोरी सुना। हाँ तो आगे क्या होता है सर, कि आगे अपना हीरोइन जो है ना, तो कपिल देव जी को हीरोइन से प्यार हो जाता है। अच्छा, तो बाकी के 11 लोग भी तो हैं, एंट्री कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? नहीं तो सब लोग आते हैं, सबको हीरोइन से प्यार हो जाता है। सारे एक ही लड़की से? अब तो सारे एक ही बॉल के पीछे भाग सकते हैं, मैच में लड़की से प्यार नहीं करते। तो